नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के अंतर्गत पद्मश्री वरिष्ठ कवि और कृषि वैज्ञानिक बाबूलाल दाहिया को आंचलिक भाषा सम्मान से पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि दुष्यंत कुमार पांडुलिप संग्रहालय का दो दिवसीय स्थापना समारोह प्रणाम 2019 भोपाल में आयोजित किया गया था। समारोह के पहले दिन दुष्यंत कुमार की गजलों की संगीत में प्रस्तुति हुई, वहीं दूसरे दिन दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण से संतोष चौबे इंदौर के वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को सुदीर्घ साधना सम्मान सहित पिथौरावास सतना के वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री बाबूलाल दाहिया को उनकी दीर्घ साहित्यिक सेवाओं के लिए आंचलिक भाषा सम्मान से अलंकृत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक लीलाधर मंडलोई व अध्यक्षता वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा ने किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तो हमारा क्षेत्र रीवा सतना सीधी सहजोल के जो पुराने चार जिले थे, अब सात जिले हो गए, वो बघेली क्षेत्र वाले। अगर कोई शहर का आदमी गेहूँ वो हमारे परंपरागत अनाजों को है, तो हमें परंपरागत अनाजों को उस प्रकार की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारी किताबें तो छप जाएंगी, लेकिन प्रमाणित कैसे होगा कि जिस अनाज के बारे में कहावत है वो है कि नहीं। जैसे छोटी तो उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ एक करजी धान होती है, काले रंग की होती है, बाद में कांटे होते हैं, सेंकुर होते हैं, और लाल चावल होता है। उस पर कहावत है, किसान ने अनुभव किया होगा, जैसे पहाड़ के खेत जंगल के करजी भी बोया और दूसरी धान बोया, तो सुअर आया तो करगी को नहीं खाया, क्योंकि बाद में कांटे थे, उसके मुंह में चुभने लगे होंगे, दूसरे में चला गया, दूसरी को पूरी खा लिया। तो कहावत बन गई कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समझिया था, तो करगी धान बोइए ना तो सुअर खाएगा न समझी, सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाद में कांटे मुंह में चुभ जाएंगे, और समझी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल उनको तो जिसमें भोग खिलाएंगे, कोई दूसरा बढ़िया चावल खिलाएंगे। इस तरह की तमाम कहावतें हैं, कुर्सी तीन पास दो पानी, पकानी को टुकरानी। एक और धान हमारे यहाँ किया है, उस पर कहावत है। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।